डियर माई जॉब सीकर, माई स्टूडेंट, माई फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नरेश पाटी, डायरेक्टर ऑफ वेल केयर ओवरसीज बेंगलुरु। डियर माई जॉब सीकर, जिनका ड्रीम है यूरोप जाना, और मैं बार बार जब भी आता हूँ यूरोप के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि यूरोप के जितने भी कंट्री है जिसके रिलेटेड जो भी इंक्वायरी मैं आपको दे सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ और आप तक पहुँचाई। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नीदरलैंड सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में, रिक्वायरमेंट, ड्यूरेशन, फीस और वो सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको नीदरलैंड सीजनल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और सक्सेसफुली नीदरलैंड में जाके आपको काम करना है। तो एंड तक जरूर देखना आप इस वीडियो को, बीच में छोड़ दिया तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि 8 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करो तो सक्सेसफुली आप नीदरलैंड सीजनल वर्क वीज़ा के लिए जा सकते हो। तो फर्स्ट जो है स्टेप 1, व्हाट अ वैलिड MBB वीज़ा इज नीडेड। अब ये MBB क्या होता है? MBB जो आपका नेशनल डी वीज़ा का एक स्टिकर रहता है, स्टाम्प स्टिकर जो रहता है उसको MBB बोलते हैं नीदरलैंड के लिए। तो वो आपके पास होना चाहिए, एंड दिस विल अलाउ यू टू ट्रैवल टू द नीदरलैंड्स एंड कलेक्ट अ रेजिडेंट परमिट फ्रॉम देयर। सो फर्स्ट थिंग, आपके पास वैलिड MBB होना चाहिए। सेकेंड स्टेप, कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, द एप्लीकेशन फॉर्म लिस्ट विच डॉक्यूमेंट्स यू नीड, कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू अप्लाई। सो सेकेंड स्टेप है कि कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स। तो जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है MBC में सबमिट करने के लिए या VFS सेंटर पे, तो सारे डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रेडी करके एक सेट रख लो। फिर थर्ड स्टेप में आपको जाना है अप्लाई, फिर आपको अप्लाई करना है। तो योर एम्प्लॉयर हु ऑफर्ड यू अ जॉब विल अप्लाई फॉर द MBB एंड द सिंगल परमिट एट द सेम टाइम। सो योर एम्प्लॉयर मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन इन राइटिंग बाय द पोस्ट। सो जो MBB जो आपको जो वीज़ा स्टिकर मिलना है वो आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्प करेगा उसमें, एंड ही विल सेंड दैट बाय द पोस्ट टू द VFS और द काउंसलेट। फोर्थ स्टेप, आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी है, सेट रेडी है, बायोमेट्रिक के लिए आप गए तो पे द वीज़ा एप्लीकेशन फीस आपको पे करना है, फोर्थ स्टेप जो है। फिर फिफ्थ में आपको क्या करना है, ये सब आपने कर लिया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया, वीज़ा फीस पे कर लिया, एप्लीकेशन भर दिया, सब वेट फॉर द डिसीजन। वीज़ा के लिए आपको डिसीजन करना है, तो मोस्टली जो डिसीजन आता है विद इन 90 डेज आपको पता चल जाता है, मतलब बिफोर 3 मंथ्स आपको पता चल जाएगा कि आपको वीज़ा मिला के नहीं मिला। तो यूजुअली इसमें वीज़ा रिजेक्शन के 0.00% चांसेस रहते हैं, 99.9% आपका वीज़ा यूजुअली ग्रांट होता है इसमें। तो सिक्स स्टेप जो है, यू विल रिसीव अ डिसीजन, मतलब आपको डिसीजन मिल जाता है, फिर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया। तो नेक्स्ट जो 7 स्टेप है, आपको क्या करना है, कलेक्ट द MBV, जो स्टिकर लगा है उस स्टिकर के साथ आप नीदरलैंड जा सकते हो। तो कलेक्ट द MBV एंड ट्रैवल टू नीदरलैंड्स। यू कैन ट्रैवल टू नीदरलैंड्स विथ MBV स्टिकर वीज़ा, एंड यू कैन कलेक्ट द वीज़ा फ्रॉम वेयर यू हैव अप्लाइड एंड मेक द अपॉइंटमेंट एट द डच एम्बेसी और कलेक्ट योर वीज़ा। और एट लास्ट, ये आपने MBV वीज़ा स्टिकर कलेक्ट कर लिया, फिर एट लास्ट जो स्टेप 8 है उसमें कलेक्ट द रेजिडेंट परमिट व्हेन यू कम टू नीदरलैंड्स। तो जब आप नीदरलैंड जाते हो तो वहाँ रिपोर्टिंग करके अपना रेजिडेंट परमिट आप ले लो, तो मिनिमम वो आपको 6 मंथ का मिल जाएगा फॉर सीजनल वर्क वीज़ा। तो ये जो 8 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका नीदरलैंड सीजनल वर्क वीज़ा अप्रूव हो सकता है। और भी अधिक अगर आपको कोई जानकारी चाहिए नीदरलैंड सीजनल वर्क वीज़ा के लिए, तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके अपनी नीदरलैंड सीजनल वर्क वीज़ा की करियर काउंसलिंग या प्रोसेस की जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आए ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर एक अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।